Hi guys, in this tutorial we will learn what is variable in C programming language. So let's start. A variable is a name of the memory location. तो एक वेरिएबल क्या होता है? किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है. इट इज यूज टू स्टोर डाटा. वेरिएबल का यूज क्या है? हम लोग स्टोर डाटा यानी डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का उपयोग हम लोग करते हैं. इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड. इसका वैल्यू क्या है? चेंज भी हम लोग कर सकते हैं. एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स. तो वेरिएबल के को हम लोग वैल्यू रीयूज कर सकते हैं किसी भी समय पे, कभी भी रीयूज कर सकते हैं. ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा. इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स. सो आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी होंगी. एक, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. यह एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है. एंड इसका यूज क्या है? यूज आप लोगों को याद रखना होगा, यूज टू स्टोर डेटा. तो वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए. और इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, यानी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं. एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स. तो इसको हम लोग रीयूज दोबारा से उपयोग कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल. तो सिंटैक्स क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए? वो है टाइप वेरिएबल लिस्ट. यानी वेरिएबल का टाइप देना होगा और उसका लिस्ट देना होगा. सो यहाँ से आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. आप लोग बस सिंटैक्स याद रखिएगा, टाइप वेरिएबल, और एग्जांपल से आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर होगा. ये एग्जांपल आप लोग देखिए, द एग्जांपल ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल. तो सिंटैक्स क्या था? टाइप वेरिएबल एंड लिस्ट. तो वेरिएबल का टाइप क्या है? इंट. और लिस्ट क्या है उसका? ए. यानी इंट ए नाम का एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं. यहाँ पहले देख लिया आप लोग, इसका सिंटैक्स क्या है? टाइप वेरिएबल लिस्ट. तो उसका टाइप क्या है? इंट टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर. इंट फॉर इंटीजर. इंटीजर ए एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं और वो सिंटैक्स जो था टाइप वेरिएबल लिस्ट, उससे आप लोगों को ये मैच करता हुआ दिखाई दे रहा होगा. तो इस वेरिएबल का टाइप क्या है? इंटीजर. और उसका लिस्ट क्या है? ए. नेक्स्ट है फ्लोट बी. फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल डिजिट के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट बी. उसी प्रकार कैर सी यानी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है सी. सो गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल के एग्जांपल और सिंटैक्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल आप लोगों के पास है. इंट ए इजकल टू 10 कॉमा बी इजकल टू 20 डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप. यानी दो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यह है इंट ए इजकल टू 10 कॉमा लगाना है आप लोगों को, कॉमा ऑपरेटर, उसके बाद बी इजकल टू 20. यानी टू वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है सेम टाइप के यानी एक ही टाइप के, तो आप लोगों को कॉमा से सेपरेट करना होगा. नेक्स्ट है फ्लोट एफ इजकल टू 20.8. यानी फ्लोट अभी मैं बताया था डेसिमल डिजिट के लिए हम लोग यूज करते हैं. फ्लोट टाइप का आप लोग देख सकते हैं फ्लोट 20.8. यानी फ्लोट एफ में कितना वैल्यू है? 20.8. वैसे इंटीजर ए में कितना वैल्यू था? तो था ए इजकल टू 10. 10 उसका क्या है? वैल्यू है. और वेरिएबल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो स्टोर डेटा. इट इज यूज टू स्टोर डेटा. वेरिएबल का यूज करते हैं हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए. तो एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इसी प्रकार कैरेक्टर कैर सी इजकल टू ए. तो कैर टाइप के वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं? ए को. कैर सी इजकल टू ए.
सो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, यानी हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। आप लोगों ने देखा वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डेटा, इट कैन इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। सो रूल क्या हैं, सब हम कुछ भी करते हैं तो एक रूल होता है, उसी प्रकार वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ रूल हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले या डिफाइन करने से पहले। सो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला रूल क्या है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, यानी कोई भी वेरिएबल लिखने से पहले आपको शुरुआत करना होगा किसके साथ, एक अल्फ़ाबेट लेटर के साथ या किसी डिजिट्स के साथ एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ। यानी ये तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, एक वेरिएबल के अंदर क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर के साथ हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए वेरिएबल कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैंट स्टार्ट विथ ए डिजिट। तो इससे पहले वाले पॉइंट में मैं डिजिट भी बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है, जो किसी भी वेरिएबल का नाम जो होगा स्टार्ट होगा, किसी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट जो होगा वो होगा किसके साथ, एक अल्फ़ाबेट और एक अंडरस्कोर के साथ। अभी मैं आगे एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा, वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग याद रखेंगे, एक वेरिएबल का नाम जो होता है वो किसके साथ स्टार्ट होगा, या तो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के साथ या अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट के साथ। इट कांट स्टार्ट विथ ए डिजिट, यानी किसी डिजिट 1, 2, 3 के साथ हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, यानी वाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस हम लोगों को अलाउ नहीं करता है वेरिएबल नेम के लिए। वाइट स्पेस क्या होता है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सो नो वाइट स्पेस अलाउड विद इन द वेरिएबल, ये कुछ रूल्स हैं आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है, एक दो बार आप लोग डिक्लेयर कीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है। सो नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल, तो क्या क्या करना है, कोई किसी भी वेरिएबल का नाम देने से पहले हम लोगों को देखना होगा, हम नंबर के साथ तो नहीं दे रहे हैं, इंट 1 तो नहीं दे रहे हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर के साथ। नेक्स्ट है, ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड इजी, यानी अर्थात इंट फ्लॉट एटीसी, यानी ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, एक वेरिएबल का नाम जो है नहीं हो सकता है किसी भी रिजर्व कीवर्ड या रिजर्व वर्ड के साथ। यानी किसी वेरिएबल का नाम हम लोग दे देंगे तो उसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं दे सकते हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग नहीं देंगे, जैसे इंट है, फ्लोट है, आपका इफ़ है, एल्स है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो किसी वेरिएबल का नाम हम लोग कीवर्ड्स के साथ नहीं दे सकते हैं, जैसे आप लोग लिख देंगे इंट इफ़, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो याद रखना है रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं करना है वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते वक्त। क्या क्या नहीं यूज करना है, डिजिट्स यानी 1 to 10 ये नहीं आप लोगों को यूज करना है वेरिएबल नाम देते समय। वेरिएबल का नाम देते समय आप लोगों को रिजर्व कीवर्ड या कीवर्ड जैसे इंट फ्लोट ये सब यूज नहीं करना है। यूज क्या करना है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर, यानी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के साथ आप उसका नाम स्टार्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट लिखने के बाद आप नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे इंट A1 ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इंट 1 नहीं लिख सकते हैं, और क्या नहीं लिख सकते हैं, इंट इफ़ नहीं लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्या, ये देखिए यहाँ से आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैलिड वेरिएबल नेम्स और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। तो वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या है, इंट ए सेमीकॉलन, फिर है इंट अंडर स्कोर ए बी, ये भी वैलिड है, फिर है इंट ए 30 सेमीकॉलन। यानी देखिए जी, सारे वेरिएबल का नेम क्या है, अल्फ़ाबेट से शुरू है या अंडर स्कोर कैरेक्टर के साथ शुरू है, बाद में हम लोग नंबर का यूज कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट नंबर के साथ नहीं कर रहे हैं। जैसे इंट ए हम अल्फ़ाबेट का यूज कर रहे हैं, इंट अंडर स्कोर ए बी यानी अंडर स्कोर का यूज कर रहे हैं, वहाँ में रूल में बताया था अंडर स्कोर के साथ हम यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर के साथ उसका नाम दे सकते हैं। और इंट ए 30 यानी वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट के साथ शुरू हो रहा है लेकिन डिजिट भी हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट जो है आप लोग नंबर नहीं देंगे। अब देखिए इनवैलिड वेरिएबल नेम्स यहाँ आप लोगों को क्लियर होगा, इंट टू ये इनवैलिड है, ये आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इंट ए बी बीच में क्या है, वाइट स्पेस है, तो वाइट स्पेस क्या था, नॉट अलाउ। और उसके बाद है इंट लॉन्ग, तीनों कंडीशन आ गया आपका, पहला इंट टू जो है डिजिट्स के साथ किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड हुआ। इंट ए वाइट स्पेस बी यानी वाइट स्पेस के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं उसका वेरिएबल को स्टार्ट, वेरिएबल का नाम स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद इंट लॉन्ग यानी क्या कहा गया था रूल में, जो आप कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं यूज करेंगे वेरिएबल का नेम देते समय। तो लॉन्ग क्या है, एक कीवर्ड है, सी लैंग्वेज के अंदर एक कीवर्ड है लॉन्ग, सो आप लोग ये याद रखेंगे। चलिए एक बार मैं आप लोगों को रिकैप कर दूं, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इट कैन इट इज यूज टू स्टोर डाटा। आप लोगों को ये लाइन आप याद रखनी है, वेरिएबल का यूज क्या कर, यूज क्या है, डाटा को स्टोर करना। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल ऑफ वेरिएबल, आज आप लोगों ने ये सीखा। और रूल्स क्या होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर करते वक्त, और एग्जांपल कौन से वैलिड वेरिएबल हैं और कौन से इनवैलिड वेरिएबल हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताऊंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।